विस्की के जाने माने ब्रांड रॉयल स्टेज को आखिर बनाया कैसे जाता है। 1995 में एस्टेब्लिश हुई इस इंडियन ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में सिर्फ चार जगह ही है, दमन, कोलकाता, मुंबई और गुड़गांव। रॉयल स्टेज विस्की को बनाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है हाई क्वालिटी का गेहूं और मक्का, जिन्हें खेतों से डायरेक्टली हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और यही से शुरू हो जाता है रॉयल स्टेज बनने का पहला स्टेप। यह इन ग्रेन्स को करीब 12 घंटों तक स्टेराइल वाटर में छोड़ दिया जाता है। करीब 12 घंटे के बाद ड्रेन कर लेने के बाद नए पानी में 14 घंटों के लिए फिर एक बार रखना होता है। अब आती है बारी इस गीले अनाज को थोड़ा सुखाने की, तो कुछ ऐसे इन्हें कुछ दिनों के लिए एक बंद कमरे में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 6 दिन बीत जाने के बाद ग्रेन्स को माल्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजना होता है। इस माल्टिंग यूनिट में लगाई जाती है धुएं वाली आग और इस धुएं को भेजा जाता है ग्रेन्स के कंटेनर में, ताकि वो अनाज इस धुएं को सोख ले और विस्की में एक अनोखा स्मोकी फ्लेवर आ पाए। अब फिर 2 दिन बाद इस चेंबर को खोल के अनाज का क्वालिटी चेक करने के लिए सैंपल लिया जाता है। सैंपल पास हो जाए तो अब इस सारे ग्रेन्स को कन्वेयर से भेजा जाता है ग्राइंडर मशीन में पीसने के लिए। पिसाई जब कंप्लीट हो जाए तो अगली स्टेप होती है इसे सड़ाने की, इसे फर्मेंटेट करने की। इस कंटेनर में रखे अनाज में मिलाया जाता है यीस्ट का पानी, जो बैक्टीरियल एक्शन को तेज कर देता है। करीब 2 दिन फर्मेंटेट हो जाने के बाद बनता है एक बहुत ही तेज गंध वाला अल्कोहलिक स्प्रिट, जिसे इस यूनिट में लगे नलों से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे रॉयल स्टेज एक स्कॉच विस्की है। स्कॉच से मतलब ये होता है कि जिन विस्की को मिनिमम 3 साल तक स्टोर करने के बाद मार्केट में भेजा गया हो, उन्हें स्कॉच विस्की कहते हैं। सिंपल विस्की को स्टोर ना करके डायरेक्टली ही बिकने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन रॉयल स्टेज को 3 साल तक स्टोर करने के बाद ही पैक किया जाता है, कुछ ऐसे। दारू की बात कर ली।